हेलो, नमस्कार, जय लक्ष्मी माता दोस्तों। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और इस दिन यह 4 राशि करोड़ों के मालिक बनेंगे। और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के लिए उपाय। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। इनके मन में उतार चढ़ाव रहेगा, बातचीत में संयम रखें। नौकरी में भी कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, यात्रा सफल रहेंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास में कमी आएगी। चिकित्सा खर्च बढ़ सकते हैं। मित्रों से विवाद हो सकता है। कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। वृष राशि संयत रहें, क्रोध एवं आवेश करने से बचें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। नौकरी के कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना बन रही है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। यात्रा सुखद रहेंगी। कार्यक्षेत्र में व्यवधान आ सकते हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। मिथुन राशि। आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने में प्रयास करें। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। स्वभाव में चिद्धापन भी रहेगा। माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें। अब कर्क राशि। मन परेशान रहेगा, संयम रखें। क्रोध एवं आवेश करने से बचें। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। कारोबार का विस्तार हो सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग्य बन रहे हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। माता के परिवार की किसी महिला से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। दोस्तों, चलिए अब जानेंगे इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के लिए उपाय। तो दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देव को अर्घ्य भी दें। इस दिन तुलसी के पौधे की जड़ों में गाय का दूध अर्पित करें। दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं, भोग लगाएं और आरती उतारें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लें और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के ऊपर केले के पत्तों का मंडप लगाएं। उसके बाद चौकी पर अक्षत रखकर भगवान विष्णु, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके गंगा जल छिड़कें। अब कलश की स्थापना के लिए मूर्ति के समक्ष चावल रखें या अष्टदल बनाएं। फिर उस पर कलश रखकर उस पर मौली बांध दें। अब कलश में गंगा जल, शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम आदि डाल दें और इसके मुख पर आम के पत्ते रख दें। आम के पत्तों और नारियल पर भी मोली बांध कर रखें। सबसे पहले ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए याचना करें। आप घी के दीपक को प्रज्वलित करें और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर वह पुष्प भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपने राशि के साथ जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें ताकि हम आपके राशि अनुसार आपके बारे में भी बता सकें। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।